किस बात को लेकर आप इतने परेशान हो रहे हो? परी, परी के दिल में नीति के लिए जो विश्वास है ना, वो मैंने अच्छा नहीं लग रहा है। माना कि दोनों बचपन की सहेलियां हैं, लेकिन परी के मन में जो नीति के लिए अंधविश्वास है, उसने मेरे भरोसे को हिलाकर रख दिया है। मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि क्या मैं सच देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन फिर एक कल है जो मैनू समझ में नहीं आ रहा। अगर नीति और राकेश मिले हुए हैं तो राकेश ने नीति को किडनैप क्यों किया है? इसी कल पर मैनू शक हो रहा है नीति पर कि वो नाटक कर रही है। परी का नीति के लिए जो विश्वास है ना, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ऐसा सब सोच सोच कर ना मेरा सर फटा जा रहा है। मैं अंदर जा रही हूँ। ताई जी। हाँ। आपकी चाय। हाँ। रुक, इसका मतलब नीति एक्टिंग नहीं कर रही थी, सचमुच उसकी याददाश्त चली गई है और ऐसी हालत में वो नीच पापी उसको अगवा कर ले गया है। शर्म आनी चाहिए उसे। पम्मी, हमें ना उसकी मदद करनी चाहिए, नीति की हेल्प करनी चाहिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कोई गल करना चाहती हूँ। मैंने तो उसकी माँ तक से बात नहीं की। चंद्रिका जी, ताई जी, वो गेस्ट रूम में जो दवाई का डब्बा है ना, वो लेकर आना। जी। टैक्सी। राजीव, कहाँ तुम टैक्सी क्यों बुला रहे हो? हमारी कार है ना। कार है, लेकिन तुम डायरेक्ट घर जा रही हो। क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। वैसे भी नीति नीति को ढूंढने मैं जा रहा हूँ, तुम सीधा घर जा रही हो। प्लीज राजीव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी नीति को ढूंढने। प्लीज परी, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे नीति है वो जगह खतरे से खाली नहीं है और मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डालता। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन प्लीज तुम आज मुझे मत रोको। परी प्लीज मत करो। आज की बात कभी नहीं करूंगी पक्का, लेकिन आज नीति की जिंदगी का सवाल है। प्लीज राजीव, वो एरिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, रिस्की है, प्लीज समझो। राजीव, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। अच्छा ठीक है, बट वैसा ही करोगी जैसे मैं कहूंगा? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो। एक बार मान ले कि नीति की याददाश्त नहीं गई और वो नाटक कर रही है, तो जरा सोच कि वो किस किस के साथ क्या क्या करेगी, कैसे कैसे बदले लेगी। अगर नीति की याददाश्त नहीं गई है तो भी ठीक है, लेकिन अगर सच में याददाश्त चली गई है और अचानक वापस आ गई तो मेरे पुत्र संजू और परी उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करेगी, फिर से बर्बाद कर देगी उनकी जिंदगी को। अरे उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। लेकिन खैर, मुझे ये लग रहा है मम्मी ने तेरे दिल में ना ये बात बैठा दी है कि संजू के लिए परी से ज्यादा अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती है। 100 बातों की एक बात कि अब नीति मैनू पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, हो जाएगा काम, डोंट वरी। हाँ, ओके ओके। बोला काम पे काम हो रहा है। वैसे एक बात बताओ, एक बात तो माननी पड़ेगी यार कि तुम सुंदर तो हो, फिर भी उस संजू में तुम्हें कुछ नहीं दिखता। तो ना गड़बड़ ना उसकी आंखों में, पर तुम सुंदर हो या ना हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई। हैंडसम तो मैं भी हूँ, हैं? तो कहते हैं ना, छोरा सरसों दे खेतों वाला। पर हुआ क्या, शादी तो परी ने संजू से की ना। अरे आ गए आप, ये क्या स्पीकर लेके आए? वैनिटी। अच्छा, मेकअप का सामान। ठीक है, देखो ये जो है ना, इनका करना है सब कुछ। ये देखो, ये चोट लगी ना, चोट फॉरहेड पे, मेकअप में तो आप क्या कुछ नहीं छुपा लेती। और ना इनको ना बहुत सुंदर, डर तो है ही पर बहुत सुंदर बनाना है। देख लीजिए, हो जाएगा आपसे? हो जाएगा, पर ना वहां पर ना कपड़े रखे हुए हैं, वो कपड़े भी इसको पहनाने, मतलब इसको ऐसे तैयार करना है कि देखने वाला बोले कि क्या बात है, मुंह से वाह निकलना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो आप लग जाओ काम पे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ।
सुनिए, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। इस पुलिस को फोन कर दीजिए प्लीज, मुझे। चुपचाप रहना, ज्यादा बोलना मत। बेनू, इसकी कनपट्टी पर रख, और लगे ज्यादा चटर पटर कर रही है ना तो उड़ा देना। जाना है परी, लेकिन ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे भी कम खतरनाक लोग नहीं है, बट डोंट वरी। हेलो मिस्टर संजू बाजवा, एक मिनट। हेलो, पहले बताना था ना कि नीति को किसी सुनसान इलाके में शिफ्ट कर दिया है, पता है ना वहां क्या होता है। एक मिनट, करता हूँ फोन में। हेलो इंस्पेक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? सर ने बताया कि आप कंप्लेंट फॉर्म पे साइन करना भूल गए। प्लीज जाकर साइन कर दीजिए ताकि हम केस की जांच करना शुरू कर सके। ठीक है। क्या हुआ? उन लोगों ने नीति को कहीं और शिफ्ट कर दिया। हाँ परी, पहुंच तो गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने नीति को रखा कहाँ है। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो नीति तक भी पहुंच जाएंगे, ढूंढ लेंगे हम उसे। पर ये एरिया बहुत रिस्की है। पर हमें नीति के लिए रिस्क लेना होगा, हम पीछे नहीं हट सकते राजीव। परी मुझे तुम्हारी फिक्र है, और ऊपर से तुम मेरी बात भी नहीं सुनती हो आजकल। मैंने हमेशा तुम्हारा कहा माना है, लेकिन आज नहीं। आज नीति की जिंदगी का सवाल है। बट परियां बहुत रिस्क है। चलो भी राजी प्लीज। पर ये भी टाइम है। तुम्हें मेरी कसम, आज मत रोकना। आज के बाद तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं, आई प्रॉमिस। सच्ची। चलो। बोलना। अरे आता हूं ना, रुक दो मिनट। राजीव, ये लोग, ये जगह, ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। इन लोगों के हाथों में गन, चाकू, ये सब तो ऐसे जैसे कोई हथियार नहीं, खिलौना हो। मैं समझ सकता हूँ परी, ये जगह एक्चुअली में बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें कुछ भी करके नीति को बचाना होगा। हमें नीति को सही सलामत यहाँ से घर वापस लेकर जाना है। चलो। से आगे कैसे जाएं? राजीव, ये आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे वहां कुछ फंक्शन चल रहा हो। पता नहीं, बस कैसे भी करके इन लोगों को क्रॉस करके आगे जाना है हमें। लेकिन ये सब कैसे करेंगे राजीव?
अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो इन्हें एक सेकंड में पता चल जाएगा कि हम यहाँ नहीं है, कहीं और के हैं। कुछ तो करना पड़ेगा परी।